जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबके लिए DSSB ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी अनाउंस की है, जो आप सभी के लिए DSSB बोर्ड के द्वारा एक गिफ्ट समझ के चलिएगा। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर LDC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। 700 प्लस वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि 700 प्लस पद आपके बढ़ चुके हैं। इसके फॉर्म जो आप फिल कर चुके हैं, एग्जाम डेट का आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब उसमें एक और बड़ी खुशखबरी ये निकल के आती है कि बोर्ड के द्वारा आपके वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाती है, 700 प्लस पदों की संख्या और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, वैकेंसी तो इंक्रीज कर दी, अच्छी बात है, कि सर इसका पेपर कब तक होगा, कुछ ये आइडिया है? तो जी हाँ बिल्कुल, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपकी 700 प्लस पदों पर वाकई में वैकेंसी बढ़ा दी गई है क्या, क्या ऑफिशियल आ चुका है सर, और इसका एग्जामिनेशन कब तक होगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप सबको साझा करने वाला हूं। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, तो गूगल पर टाइप करोगे सिंपली, आप सिंपली टाइप करोगे DSSB। क्या टाइप करोगे? तो DSSB टाइप करोगे। जब आप DSSB टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां आप देख पा रहे होंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो हम इस तरीके से आगे स्क्रॉल करेंगे और यहां देखेंगे तो ये जो नोटिस है वो आपके 5 सितंबर को ही आ चुका है, टीचर्स डे वाले दिन ही आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको उसी दिन इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे को इसके बारे में और भी सारी रिसर्च करनी थी। मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप सबका पेपर भी कब होगा, क्या वैकेंसी बाकी में कितनी कितनी इंक्रीज हुई है। तो मोर इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में रखी है, वो आप सभी के साथ साझा करेंगे, तो आप सभी अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप यहां ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ये ओपन हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि इसकी वैकेंसी का कोड क्या है, तो 802/23 है। जैसे आप इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो आप ऑफिशियल नोटिस पर पहुंच जाओगे। देखिए ये DSSB द्वारा इश्यू किया गया है, वैकेंसी इंक्रीज का ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ये देखिए 5/9/2024 को ये नोटिस आ चुका है। देखिए अगर मैं बात करें जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट कोड की तो 802/23। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या सर वाकई में वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है? तो जी हाँ बिल्कुल, वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। देखिए पहले जूनियर असिस्टेंट की UR में पोस्ट थी वो 788 पोस्ट थी, अब कितनी पोस्ट हो गई, 1060 पोस्ट हो गई। ऐसे ही OBC की कितनी पोस्ट थी, तो OBC की 500 पोस्ट थी, अब कितनी पोस्ट हो चुकी है, तो 629 पोस्ट हो चुकी है। ऐसे ही ST की देखो, SC की देखोगे 194 थी, 331 हो गई, ST की 40 थी, 109 हो चुकी, EWS की 150 थी, 218 हो चुकी है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी हर एक कैटेगरी की वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। ये आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसमें वैसे ही पहले से ही आपका कंपटीशन कम था, अब और कम हो गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी क्या इंक्रीज हुई है सर? जी हाँ बिल्कुल हुई है। देखिए UR की पहले कितनी, 57 पोस्ट थी, और रिवाइज वैकेंसी कितनी हो गई, 67 यानी कि 67 पोस्ट हो गई। ऐसे ही आपकी हर एक कैटेगरी की वैकेंसी यहां पर बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो टोटल कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, तो 700 प्लस वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है इन पोस्टों के लिए। ठीक है ना भाई, क्लियर है? तो आप सभी के लिए ये समझ के चलिए कि आप सबके लिए कंपटीशन थोड़ा सा और कम हो गया। ठीक है, अब जॉब पाना थोड़ा सा और सरल हुआ है। जरा और आगे की तरफ अब हम मूव ऑन करते हैं। अब आपके मन में जो सवाल चल रहा है कि सर ठीक है, अब आपने ये पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि 700 प्लस पदों की वृद्धि हो चुकी है, बढ़ चुके हैं इतने पोस्ट, और यह भी क्लियर हो गया कि ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। ठीक है, ये भी दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब सर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम हमारा कब तक होगा, परीक्षा आखिर कब तक होगी? तो मैं आप सबको बता दूं, जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम का भी चलिए आ जाइए इश्यू दूर करते हैं कि एग्जाम आपका कब तक होगा। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर 2024 में होगा पेपर या 2025 में होगा या फिर 2025 में होगा,
तो मैं आप सबको बता दूं कि पहले क्या था, डी ट्रिपल एस बी क्या करता था, पहले नवंबर दिसंबर में पेपर कंडक्ट नहीं कराता था। लेकिन अब क्या होगा, अब जो सिनेरियो इस समय बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको बता दूं कि इस बार आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, जो इस समय डी ट्रिपल एस बी बोर्ड की स्थिति बनी हुई है, जो उसकी एक्टिविटी नजर आ रही, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा सा लेट किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम आए दिन कोई वीडियो नहीं लेके नहीं आते, जब तक उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा लेते तब तक हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपने वीडियो को लेट किया ताकि हम ये एग्जाम डेट के रिगार्डिंग भी विद्यार्थियों के डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं कि आप अपने एग्जाम को टारगेट करके क्या चलेंगे, आप अपने एग्जाम को टारगेट करेंगे 2024 और वो भी नवंबर दिसंबर आप टारगेट करके चलिएगा, नवंबर दिसंबर आप टारगेट करके चलेंगे पक्का पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, आप 2025 को टारगेट करके मत चलिएगा, आप 2024 में नवंबर दिसंबर को ही टारगेट करके चलिएगा। मेरे भाई ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जब हमें ये बात पता है कि पहले से बोर्ड नहीं कराता लेकिन इस बार सर कैसे करा लेगा, तो ये तमाम सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन उन सभी सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा साथी। ये सच्चाई कि आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में नहीं कराएगा, वो तो बोर्ड के हाथ में भाई, बोर्ड की एक्टिविटी है, बोर्ड की कुछ सिनेरियो ऐसे बने हुए हैं कि बोर्ड इतनी एक्टिविटी मोड में है, नवंबर दिसंबर में पेपर कराने की स्थिति में है, करा लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्या आपको पता है? और भाई कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे सर आप ये बात बोल रहे हो लेकिन पेपर तो 2025 में ही होगा, तो मैं आप सबको बता दें, तो ये सब आप एकदम गुमराह मत होइएगा, आप भी नहीं जानते हो कि आपका पक्का 2025 में ही होगा। मान के चलो आपका पेपर नवंबर के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो गया, तो इसमें किसका लॉस होगा, ना तो मेरा लॉस होगा और ना ही डी ट्रिपल एस बी बोर्ड का लॉस होगा, लॉस होगा आपका। तो प्लीज मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप अपने एग्जाम को नवंबर दिसंबर टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि बोर्ड की जो स्थिति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को ये शेयर कर रहा हूं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो आप सबको क्या डेट, एग्जाम डेट कंसीडर करके चलनी है नवंबर दिसंबर, नवंबर का फर्स्ट वीक ही आप टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर डी ट्रिपल एस बी एमटीएस और पियोन का पेपर कब होगा, इसके लिए भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं आपको बता दूं अभी टीचिंग के कुछ एग्जाम भी बाकी हैं, जैसे अगर मैं बात करें टीजीटी का पेपर होना बाकी है, पीजीटी का पेपर होना बाकी है, तो इनके पेपर भी, टीचिंग के भी पेपर हैं, तो इसलिए एमटीएस पियोन की जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी लेट की जा सकती है, यानी कि इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा लेट कंडक्ट कराया जा सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका पेपर थोड़ा सा डिले हो और 2025 में जाए। लेकिन आप लोग इसको भी 2025 टारगेट करके मत चलो, मैं तो ये कहूंगा इसको आप दिसंबर टारगेट करके चलो। ठीक है, अगर पेपर लेट होता है तो आपका लॉस नहीं है, अगर पेपर जल्दी होगा तो आपका लॉस हो जाएगा, अगर आप 2025 को टारगेट करके चलेंगे तब, तो आप, मैं तो यही कहूंगा कि दिसंबर को ही टारगेट करके चलो, दिसंबर 2024 को ही आप टारगेट करके चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को होप्स हो, अब एग्जाम डेट के रिगार्डिंग जो भी आपकी कंफ्यूजन बनी हुई थी वो सारी की सारी कंफ्यूजन आपके दूर हो गए, यानी कि अब आपको इस वीडियो में तीनों की तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। बड़ी खुशखबरी, 700 प्लस पदों की वृद्धि, ये बात क्लियर है सर। एग्जामिनेशन का जो आपके मन में डाउट चल रहा था वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल एकदम फैक्ट है, आप ध्यान से समझिएगा और अपनी तैयारी को 1% भी कमी मत आने दीजिएगा, और इंक्रीज करने की कोशिश करिए, जितनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते कर लीजिएगा। आप सबको पता है कि मौका आपको मिला हुआ, तो इस मौके को सफलता में तब्दील करना है। अभी तो आपको खुशी हो रही है वैकेंसी बढ़ गई, लेकिन इस वैकेंसी को आप यूटिलाइज कर पाते कि नहीं कर पाते ये आप पर डिपेंड करता है। तो साथ ही आप तैयारी करेंगे, मुझे ये विश्वास है, और आप करते रहिएगा। ठीक है, जल्द ही आपका पेपर भी कंडक्ट होगा, रिजल्ट भी आएगा और आपको आपकी जॉब भी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आप सबको बता दूं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब क्लियर हो गई, ऑफिशियल नोटिस भी मैंने आप सबको साझा कर दिया, अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, आप हमारे साथ भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप हमारे एसडी कैंपस, जैसे आप गूगल पर टाइप करेंगे sdcampus.com, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जब यहां से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एसडी कैंपस की। ठीक है, जैसे आप यहां से अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने डी ट्रिपल एस बी को सेलेक्ट किया है, तो ये डी ट्रिपल एस बी के हमारे टीचिंग के बैच भी हैं और हमारे एमटीएस का बैच भी है, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके भी मोर इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, आप जिस भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं बैच में इनरोल होकर अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, होप सो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत
भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसी और अधिक जानकारी के लिए। तो ओके बाय बाय, टेक केयर, अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।